सबु राज्यसभा सांसद को सरकार को पक्षर दिज्व वेदपुस्तक राज्यसभा अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रस्ताव क्रमे गृह सूचना देखते केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एसहित समाज शेष पहाच लोक भी एणिक वेद पढ़ी पारे यह मोदी सरकार प्राथमिकता देखते जो मैंने संस्कृत सह वेद पढ़ाक आग्रह देखा केन्द्र सरकार प्रोत्साहित कर राज्यसभा प्रश्नकाल सूचना देखते केन्द्र शिक्षामंत्री Those who are continuing with this sacred tradition of teaching and learning process of Adi Granth Veda, government is encouraging those who are coming. It's a very voluntary movement, and till now there is one center at Ujjain. Our government, envisioned by Prime Minister Modi's long-term plan, we have put up 5 more points: one in Dakshina, one in North. In Haridwar, one at Guwahati, one at Puri, one at Dwarka. In all the Chardham and Guwahati, these are the main centers apart from Ujjain. If Andhra honorable member can suggest any point of Andhra, if due diligence we can go through and we can cooperate there. Honorable Minister, it will be greatly appreciated if you make available to honorable members of Parliament a set of Vedas. बिल्कुल सर, हम निश्चित रूप में इसकी आपके आदेश का पालन करेंगे। सारे राज्यसभा के सारे मेंबरों को एक वेद की एक पुस्तिका उपलब्ध कराएंगे। ये आपने अच्छा आज सुझाव दिया है, आपके आदेश को पालन करेंगे। अभी एक टेक्नोलॉजी आई है कि ऐसे 3 किताबें प्रकाशित हुई है, मैं भी तुकाराम की गाथा और ज्ञानेश्वरी और गीता भी आई है कि पेन पर अगर उसके अंग्रेजी में रखे तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद आएगा, तमिल में रखे तो तमिल में आता है, पेन जहाँ रखे उस भाषा में आता है। तो ओरिजिनल संस्कृत में और फिर सब भाषा में वो ज़्यादा कठिन नहीं है, वो बहुत संभव है। और वो होगा तो जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में वो सुन सकेंगे, वो होगा तो और अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा सुझाव है, और माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र जी हर कठिन मामले को भी आसान करने में बड़े सक्षम है। मैं मानकर चलता हूँ इनका प्रयास प्रभावी भी रहेगा, सार्थक भी रहेगा।